नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों आज की तीसरी कॉल है, और जैसे कि ये जो महीना चल रहा है क्वार्टर 2 के रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो इसमें एक और कंपनी का रिजल्ट आया सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड का। तो मुझे लगता है इसमें अभी और भी अपमूव आएंगे। अभी तो इसमें अपमूव आए नहीं थे, बट अब रिजल्ट के बाद मुझे लगता है कि जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो इसमें डेफिनेटली ये टारगेट देखने को मिलेंगे। 15 से 20 दिन के टारगेट दे रहा हूँ शॉर्ट टर्म के, इसमें डेफिनेटली आप बाय करिए, अपने कैपिटल को मल्टीप्लिकेशन करिए। तो दोस्तों आज तारीख है 5 नवंबर और रात के 8 बज रहे हैं, और मंडे को जब भी मार्केट ओपन होगा तो डेफिनेटली इसमें अप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा जिस तरह से इसके क्वार्टर रिजल्ट आए। उससे पहले से हम बात कर लेते हैं सन टीवी नेटवर्क है क्या आखिर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कंपनी की वेबसाइट ओपन कर रखी है, सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, कंपनी का नाम है सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सन क्या लिखा है देखिए, इनके गाइडलाइन क्या है देखिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीविजन नेटवर्क इन इंडिया। ठीक है, तो ये तो एक तो ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीविजन नेटवर्क इन इंडिया, इनका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। और देखिए इनके कितने चैनल हैं, ठीक है, तो इनके 33 टीवी चैनल्स हैं। ये देखिए इनके 33 टीवी चैनल्स हैं, और एक चैनल के व्यू जो इनके मोर देन हाउस होल्ड हैं, यानी कि 95 मिलियन एक टीवी चैनल के व्यूज़ हैं, यानी कि ओवरव्यू, यानी कि 33 चैनल के अंदर इनके 95 मिलियन हाउस होल्ड इन इंडिया। ठीक है, और इनका वर्ल्ड वाइड भी है इनका, देखिए USA, कनाडा, यूरोप, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इधर भी इनके व्यूवर्स हैं। तो बेसिकली कंपनी के देखिए व्यूवर्स अच्छे हैं, इसलिए सन टीवी फ्यूचर के अंदर ऑल द यानी 25 दिन के अंदर सन टीवी हमेशा बहन में रहता है, क्योंकि इसमें पोजीशन लेके चलता है, क्योंकि इसमें अब ट्रेंडिंग रहता ही रहता है। कंपनी का नेटवर्क भी अच्छा, क्योंकि बिगर देखिए टीवी जो नेटवर्क होता है, इसकी जो चैन सेक्टर यानी 33 टीवी चैनल मायने रखता है अपने आप में, और ये सब चीज़ें इसके बारे में। ये देखिए मोटा मोटा ओवरव्यू तो मैंने समझाया सन टीवी नेटवर्क के बारे में, और बाकी मुझसे ज़्यादा आप अच्छी तरह जान पाते हैं। तो प्लीज़ खुद भी जाके वेबसाइट पर जाइए, कंपनी के बारे में रिसर्च करिए, फिर कंपनी के शेयर में बाय या होल्ड या सेल करिए। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू कंपनी के बारे में, आपको समझ आ चुका होगा कि ये टेलीविज़न नेटवर्क की कंपनी है। तो ठीक है, अब इसका ओवरव्यू समझते हैं मोटा मोटा। देखिए मैंने गूगल पर ओपन कर रखा है, तो ये कल के दिन यानी कि जब मुहूर्त ट्रेडिंग सीजन ओपन हुआ था उसमें ये 2.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। तो ये ओपन होता 594 रुपये पे, हाई मारता 600, हाई मारा इन्हें 611 रुपये का, इधर अभी अब ट्रेडिंग हुआ है पूरी तरह से, लो मारता 594 रुपये का। ठीक है, 52 हाई इसका 611, इसने कल ही अपना 52 हाई तोड़ा है, और 52 लो है इसका 407.80 रुपये का। ठीक है, और देखिए इसके अंदर ये ज़्यादातर इसके अंदर चैनल कौन सा है, देखिए चेन्नई का है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु, और ये साउथ की कंपनी है, साउथ के ही चैनल प्रमोट करती है ज़्यादातर सन टीवी। ठीक है ना, तो इस्टेब्लिश कब हुआ था, 14 अप्रैल 1992 में। ठीक है ना, ये है, और ये ग्रो वन ऑफ द एशिया लार्जेस्ट टीवी नेटवर्क। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट टीवी नेटवर्क है इसका, ये भी है। ठीक है, चेन्नई से रनिंग है, चेन्नई में हेडक्वार्टर है, और ज़्यादातर साउथ के ही चैनल इसमें प्रमोट होते हैं, ज़्यादातर साउथ के ही चैनल चलता है, 33 चैनल से साउथ के ही हैं सारे मोस्ट ऑफ द। ठीक है, तो सन टीवी का एक अपना ही नेटवर्क है पूरा, अपने ही ब्रॉडकास्टिंग है, अपने ही सब कुछ है। ठीक है, तो ओवरव्यू था ये चार्ट का। ठीक है, अब समझते हैं इसके अंदर और क्या था। ये देखिए मैंने NSE की साइट को ओपन कर रखी है, तो NSE की साइट के अंदर इसमें 40% डिलीवरी उठाई गई थी। ठीक है ना, 4 नवंबर को, यानी कल जो मुहूर्त ट्रेडिंग सीजन ओपन होता है उसमें 40% डिलीवरी उठाई गई थी इसके अंदर। तो ये ओवरव्यू था मोटा मोटा कि कितनी डिलीवरी उठाई, कितना क्या था ये। ठीक है ना, NSE की साइड पे इतनी डिलीवरी उठाई गई इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर जो इसका क्वार्टर रिजल्ट आया वो समझ लेते हैं इसका। तो ये देखिए रिजल्ट के बारे में समझने से पहले समझिए पहले ये देखिए सन टीवी का, ये देखिए इसके जो मार्केट गैप है 23,943 करोड़ का इसका मार्केट गैप है, स्टॉक PE 14.7 है, ROCE इसका 29.5% है, ROE भी अच्छा 22, बुक वैल्यू 179, ये भी थोड़ा अंडर वैल्यू, चलो 5 रुपये की फेस वैल्यू इसकी। ठीक है, अब कंपनी के अंदर क्या है, कंपनी ने ऑलमोस्ट अपना कर्जा फ्री कर लिया है, कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है। ठीक है, डिविडेंड पे आउट यानी 34.89% इन्हें पे आउट मेंटेन कर रखे चल रही है कंपनी। तो ये ओवरव्यू है कंपनी का। अब देखिए इसके अंदर क्या, सितंबर क्वार्टर का आज जो रिजल्ट आया इसका, रिजल्ट के अंदर देखिए इसकी सेल हुई है 849 करोड़ रुपये की। ठीक है, इसका प्रॉफिट आया है 526 करोड़ का, इसका प्रॉफिट आया 526 करोड़ का। अब ये प्रॉफिट देखिए, इसका EPS भी 10% 10.03 हुआ है,
इसका नेट प्रॉफिट आया 395 करोड़ का। तो ये देखिए, आप जून क्वार्टर क्वार्टर में देखेंगे तो भी इसकी सेल में भी ग्रोथ हुई है, इसके प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुई है, ईपीएस में भी ग्रोथ हुई है। ये देखिए, जून क्वार्टर के अंदर इनकी सेल थी 819 करोड़ की, वो बढ़ के हुई है 849 करोड़, ये भी अप में आई है। नेट प्रॉफिट भी इनका आया, बढ़ के आया है, यानी 365 करोड़ से 395 करोड़ का आया है। ईपीएस भी इनका ग्रो हुआ है, ठीक है। तो ये क्वार्टर क्वार्टर में इनकी अप आया है। और देखिए आप ईयर ईयर वाइज चेक करेंगे तो ईयर ईयर वाइज देखिए, तो सितंबर 2020 के अंदर 769 करोड़ का प्रॉफिट, 769 करोड़ की सेल थी, तो बढ़ के हुई है, यानी कि 20% की ग्रोथ ईयर ईयर वाइज है, क्वार्टर क्वार्टर वाइज भी ग्रोथ है। ये देखिए, 495 करोड़ का प्रॉफिट आया, तो वो बढ़ के हुआ 526 करोड़ रुपये का। ईपीएस भी इनका बढ़ा है, यानी कि जो सितंबर क्वार्टर के अंदर ईयर ईयर में देखेंगे तो 8.50 था, वो बढ़ के 10 हुआ। तो देखिए, ईयर ईयर में भी कंपनी का प्रॉफिट आई है और क्वार्टर क्वार्टर में भी कंपनी प्रॉफिट में आई है, सेल भी ग्रो कर रही है कंपनी की। ये समझने वाली बात है, किसी कंपनी ग्रोइंग हो रही है वो डेफिनेटली इसका जो नेटवर्क खुद का, आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर अब सारा ब्रॉडकास्टिंग में ये सब चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ब्रॉडकास्टर को ही होता है। तो इनका खुद का ब्रॉडकास्टर है, सब कुछ इनका सब कुछ है, तो चैनल भी इनके हैं, तो डेफिनेटली इसमें इसीलिए हर कोई इसमें एक्टिवली इसमें बाय करता है, होल्ड रखता है शेयर को। और मुझे लगता है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड भी करेंगे तो डेफिनेटली इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इसका जो डिविडेंड देते हैं ये क्वार्टर वाइज भी डिविडेंड पे करते हैं। तो ठीक है, ये देखिए ईयर ईयर वाइज भी आप आया है, सेल में भी ग्रोथ है, ईयर ईयर वाइज क्वार्टर क्वार्टर वाइज भी ग्रोथ है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। तो डेफिनेटली इसमें कंपनी में ग्रोइंग है, कंपनी के बिजनेस के अंदर ग्रोथ चल रहा है, ये सब चीज़ समझने वाली होती है। अब थोड़ा ईयर ईयर वाइज चेक कर लेता थोड़ा सा। ये देखिए, मार्च 2020 के अंदर इनकी सेल बाकी है, देखिए ईयर ईयर वाइज भी इनका प्रॉफिट में चल रहा है, ईपीएस में ग्रोथ हुई थी, नेट प्रॉफिट इनका बढ़ के आया था। देखिए, मार्च 2020 के अंदर इनका नेट प्रॉफिट था 1385, वो बढ़ के हुआ था मार्च 21 के अंदर 1525, और ईपीएस में भी ग्रोथ हुआ था। तो इस वजह से इसमें अप मूव रहती है इस शेयर के अंदर, ठीक है ना। तो ये ईयर ईयर वाइज क्वार्टर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया, इसके रिजल्ट के बाद इसमें देखिए अब चार्ट पर समझते हैं, इसके और भी अप मूव्स आएंगे या नहीं आएंगे वो भी समझने से पहले। अब देखिए, कंपनी का जो लेटर आया निकल के अभी बीएससी की साइड पे, देखिए इन्होंने 2.5 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है, ये देखिए, ठीक है ना, 2.5 रुपये का डिविडेंड पे कर दिया, 50% डिविडेंड दिया था, 2.5 रुपये का डिविडेंड्स भी देने को तैयार हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इनकी हैं, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू कितनी की 5 रुपये की, देखो इन्होंने मैंशन किया अपने लेटर में, इक्विटी शेयर ऑफ 5 रुपये का ईच, और तो इसका 50% डिविडेंड दे रहे हैं, 2.5 रुपये का इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस करा है, ठीक है ना। तो ये फाइनेंशियली ईयर 21-22 का दिया है, डिक्लेयर करते 2.5 रुपये का डिविडेंड। अब इसकी होल्डिंग समझ लेते थोड़ी सी, तो इसकी होल्डिंग देखिए, इसकी होल्डिंग देखते हैं हम लोग मनी कंट्रोल की साइड पे ही। ये देखिए इसकी होल्डिंग आने वाली है, ये देखिए इसमें प्रमोटर की होल्डिंग है 75%, पब्लिक की होल्डिंग है 13%, DIs की 3% 3.5%, और FIs की होल्डिंग है 8%। ये होल्डिंग है इसकी, तो कल तक की डेट की होल्डिंग है, यानी 4 अक्टूबर तक की ये होल्डिंग है इसकी। तो ठीक है, होल्डिंग के बाद उसमें और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखिए, हम टिकट टाइप के साइड पर, इधर हमें 650% एलिजिबल है इसमें बाय करने के लिए। ये इसके ब्रांड्स है सारे, देखिए ये सारे साउथ के ही चैनल है ये सारे, ठीक है ना। ये ब्रांड्स है इसके, इन्हें 18% अप दिया है इसने अंदर, प्रॉफिट राइज करा 18% इन सितंबर क्वार्टर 2021 के अंदर, ठीक है ना। ये इसके अनाउंसमेंट आ चुकी है, बाकी इसमें सारे इंडिकेशन हमें अप मूव की तरफ दिखा रहे हैं। अब थोड़ा चार्ट पे समझ लेते हैं इसके। तो ये देखिए, मैंने इसका डेली, इसका मैं डेली चार्ट ओपन करते हैं अपन इसका। ये देखिए, डेली चार्ट पे जो कैंडल बन रही है, इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडल ट्रेड हो रही है। ये देखिए, डेली चार्ट पे सारे मूव्स के अप मूव्स की तरफ ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, इसके बुलिश कैंडल हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हुई है, ठीक है, यानी कि 3 अक्टूबर को इसमें हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई थी। फिर 4 को भी देखिए थोड़ी देर के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग ओपन हुआ था, तो उसमें भी इसमें अच्छी बाइंग हुई है। और इसका देखिए MACD अप ट्रेंड के, RSI भी इसका 60 से ऊपर चला चुका है, ठीक है ना। तो ये इसमें अप मूव और भी बाकी, क्योंकि ये जो शेयर अभी मूव कर रहा है ना, ये दो साल की अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। ये देखिए, ये जो गैप फिल हुआ है, ये जो विक्ट्री साइन बन रहा है, ये देखिए यू बन रहा है ये, तो इसमें और भी अप मूव आएंगे, क्योंकि अब तो क्वार्टर वाइज क्वार्टर रिजल्ट आया, तो मंडे को इसमें देखिए अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। अब तो मैं आपको समझाता हूँ क्यों इसमें अप मूव आएंगे। ये अपने 2 ईयर्स के हाइस पे, देखिए मैं वीकली चार्ट पर थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको क्लोज करके। ये देखिए, मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन कर लिया। अब देखिए, वीकली चार्ट पर जो ये करेक्शन भर रहा है, यानी कि 2 साल के मूव पे ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इधर से इधर के इस पर, ये देखिए ये जो कैंडल बनी थी 25 मार्च 2019 के अंदर के बाद से इसमें अप मूव आए थे। तो अभी भी इसमें अप मूव्स आएंगे, ये 1000 रुपये तक का शेयर है आने वाले 1 साल के अंदर, ये 1000 रुपये तक के अप ट्रेंड दिखाएगा आपको।
ये देखिए इन कैंडलों पर सपोर्ट, इस कैंडल का सपोर्ट लेके चल रहा है। तो ये कैंडल जो वीकली कैंडल बनी है 636 रुपए की बनी हुई है, ठीक है ना। 636 के बाद इसमें कैंडल बने 645 रुपए की, तो 645 की कैंडल है। इन दो कैंडल पर सपोर्ट लेके चल रहा है ये, तो इन दो कैंडल के सपोर्ट के बाद जिसमें अप ट्रेंडिंग आएगा डेफिनेटली। ये देखिए इस दो कैंडलों पर सपोर्ट है, क्योंकि ये 2 ईयर्स के हाई पे है इस टाइम पे शेयर, और 2 ईयर्स का हाई ब्रेकआउट कर रहा है। ये देखिए वीकली चार्ट पे, ये वीकली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो मैंने कैंडल दिखाई आपको 645 तक की दिखा दी है मैंने आपको, थोड़ा वीकली चार्ट पर थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए ये जो इसमें देखिए 20 यानी कि ये देखिए 200 दिन की एवरेज मूव को ब्रेकआउट करेगा, ये ब्रेकआउट आएगा यानी कि दिस वीक जब भी इसमें ब्रेकआउट आएगा मैं 15 से 20 दिन का टारगेट देता हूँ, 15 से 20 दिन में सारे टारगेट अचीव होंगे। ये देखिए 200 दिन की एवरेज मूव को क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया 2 ईयर्स के हाई पर चल रहा है इस टाइम पर शेयर, तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट मानने का इसमें और भी अप मूव्स आएंगे। ये देखिए 2 ईयर्स के हाई पे चल रहा है इस टाइम पे शेयर ये, तो इसमें अप मूव्स आने, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसमें अप मूव्स नहीं आए थे। देखिए डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे भी RSI MACD दोनों अप ट्रेंडिंग की तरफ है, ठीक है। ADX नीचे की तरफ आ गया, इसका मतलब इसमें अभी और भी होल्डिंग है। इसमें देखिए कितने वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है, तो इसमें स्टॉप लॉस रखना हमारे को रखना है, स्टॉप लॉस इसमें आप रखना 550 रुपये का, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी अच्छी तरह से होता है, गिरावट तेजी से होगी। 550 का स्टॉप लॉस से बाय करिए आप, जितनी गिरावट से गिरावट में बाय करिए, तो पहला टारगेट आएगा मेरे इसमें 620 का, 620 का पहला टारगेट आएगा 615 रुपये का, सॉरी 615 के टारगेट को जैसे हिट करता है तो 620 का दूसरा टारगेट है, तीसरा टारगेट 630 का। इन तीन टारगेट पे बाय करिए, पैसे साथ होल्ड करिए, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था ना जो कैंडल बनी थी, ये कैंडल बनी थी 649 रुपये की, यानी 649 की कैंडल पे, ये जो कैंडल है 649 की, ये जो कैंडल है 649 की, इस कैंडल का सपोर्ट लेके जब भी अप ट्रेंडिंग है, क्योंकि 2 साल की अप ट्रेंडिंग के साथ है, तो 550 का स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट 615 का है, ठीक है, 615 रुपये का, दूसरा टारगेट 620 का, तीसरा टारगेट 630 का। तीन टारगेट पर बाय करिए, पैसे का होल्ड करिए। इसका क्वार्टर रिजल्ट आया काफ़ी अच्छा है, और इसमें अप ट्रेंडिंग देखने को मिले मंडे के अंदर। इसका अप मूव देखिए 15 से 20 दिन के टारगेट दे रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के टारगेट है सारे, तो पैसे साहब बाय करिए। पहला टारगेट 615 रुपये, दूसरा टारगेट 620 का, तीसरा टारगेट 630 का। तीन टारगेट पर बाय करिए, पैसे होल्ड रखिए, और ये 1 महीने के अंदर 650 रुपये तक के लेवल को हिट करेगा ये, तो डेफिनेटली आप इसमें पेशेंस साथ बने रहेंगे। जितनी गिरावट होती है इसमें बाय करिए, होल्ड रखिए, इसके अंदर कैश के अंदर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपकी यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।